नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल, जो कहिए सब एक ही है। आज फिर हम एक मुद्दे को लेकर आए हैं। रांची जिला के तमाम जो अस्पताल थे वहाँ पे सुरक्षा कर्मी गार्ड के तौर पे कुछ महिला और पुरुषों की बहाली हुई थी, कुल 160 लोगों का, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना पहला कार्यकाल में थे। 2013 में इन लोगों की बहाली की गई थी। काम लेकिन इनको सरकार डायरेक्ट अपॉइंट ना करके किसी निजी सुरक्षा गार्ड कंपनी को दिया गया था कि आप वहाँ पे अपना सुरक्षा कर्मी रखिए। 2013 के बाद मार्च 2019 में इनको हटा दिया गया, उस कंपनी को ही हटा दिया सरकार ने, ये कहते हुए कि अब वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इनके बदले वहाँ होम गार्ड को रखा गया। अब होम गार्ड को भी हटा लिया गया है वहाँ से। मामला ये है दरअसल कि इन लोगों को सदर अस्पताल या स्वास्थ्य उपकेंद्र या केंद्र में सुरक्षा के तौर पे रखा गया था और इन लोगों का बिहेवियर की वजह से वहाँ पे कभी भी ना तो डॉक्टर, ना ही सिविल सर्जन, ना ही जो परिजन आ रहे थे मरीज के, वो कभी नाराज हुए। कई बार ये लोग गुहार लगाए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी, और पहले जो रघुवर दास थे वो भी। रघुवर दास ने यहाँ तक वादा किया था कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों को हम डायरेक्ट यहाँ पर सरकार के तरफ से अपॉइंटमेंट होगा, और फिर मामला धीरे धीरे अटकता चला गया। बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री बने, वो भी आश्वासन का एक डोज दे दिए, पर अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हो पा रहा है कि इनका अपॉइंटमेंट हो। क्या है पूरा मामला हम जान लेते हैं, क्या आप लोग का पूरा बात बताइए। देखिए, हम लोग जो सदर हॉस्पिटल रांची और जिले के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें 160 सुरक्षा कर्मी कंपनी आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2013 में बहाल किया गया था और लगातार 7 साल सेवा दिया है। 7 साल करने के बाद अभी 2019 मार्च में सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए हम सबको हटा देने का निर्देश दिए, जिसका हम लोग विरोध किए। तत्काल में जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे रामचंद्र वंशी, उनसे मिले, उन्होंने आश्वासन देते हुए एक लेटर उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को लिखा और कहा कि ये विचार विमर्श करने की चीज़ है, अभी अब ऐसे में हटा देने से इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सभी लोग स्थानीय लोग हैं। तो फिर सचिव नहीं माने, उस आदेश का पालन नहीं किए और हटा दिए। बाद में हम लोग पूर्व में जो सरकार मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से मिले, उन्होंने हम लोग को आश्वस्त कर किया कि आप लोगों को नहीं हटने देंगे, कल से आप लोग ड्यूटी कीजिएगा। जब आदेश आया, हम लोग रांची के जो सिविल सर्जन थे उनके पास गए, उन्होंने बोला कि आदेश आया है, अभी आप लोग 30 आदमी को रखेंगे, ऐसे करते करते सारे लोग को 2-4 दिन के अंदर एडजस्ट कर देंगे। लेकिन समझ कहिए कि ये बहला फुसला के डेट को आगे बढ़ाना था, किसी को नहीं हुआ। बाद में हम लोग इसका विरोध किए, धरने पर भी बैठे, धरना में बैठे लगातार 16 दिन तक, कहीं से कोई सरकार का कोई भी सीध लेने के लिए हम लोग के पास। आप लोग आत्मदाह का बात कर रहे हैं, हम लोग मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, हम लोग रघुवर दास जी, हम लोग तो इच्छा मिल दे दीजिए ना, हम लोग कमा के खा रहे हैं ना अपना बाल बच्चों को खिला रहे हैं। तो उस दरमियान हम लोग ने अपना जो भी था, फिर हम लोगों को प्रशासन आकर गिरफ्तार कर थाना ले दिया, शाम तक छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग चुनाव नहीं, उसके बाद सर चुनाव की थी, लेकिन उसके बाद विपक्ष में जो हेमंत सोरेन सर, उनके पास हम लोग गए, उन्होंने कहा कि चुनाव आ रही है, मैं एक चिट्ठी बनाता हूँ कर देता हूँ, अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो चुनाव के बाद मैं खड़ा रहूँगा, और मेरी सरकार बनी तो हम 10 दिन के अंदर। अच्छा, हेमंत जी ऐसा बोले थे, एकदम बोले। उसके बाद जब देखिए गरीबों का भाग से हेमंत जी को सत्ता प्राप्त हुई, तो आप लोग फिर मिले मुख्यमंत्री, 3 बार मिले मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोग 3 बार हेमंत सोरेन सर से मिले। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इस काम को करूँगा, आप लोग आदिवासी मूलवासी झारखंड के स्थानीय लोग हैं और आप ही लोग बेरोजगार हो जाएगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं इसको मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए, मैं कर दूँगा। मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ सर,
तो स्वास्थ्य मंत्री बने बन्ना गुप्ता, उनके पास हम लोग जब फर्स्ट बार मिले ना, सारे लोगों का मैंने एक ऐसा आश्वासन दिए, सारे लोग खुशी खुशी घर लौट गए। उसके बाद सर 8-10 रोज के बाद बीतने के बाद जब फिर गए तो बोला भाई इतना हड़बड़ा हो गया तो नहीं होगा, मैं लग कर दूंगा इस काम को। करते करते सर 12 बार गए उनके पास, अच्छा गुहार लगाए, सारे लोग रोए उनके सामने। तो बोले कि मैं कर दूंगा, अभी तक सर नहीं हुआ। आगे आप लोग का क्या इरादा? आगे तो यही है कि सर हम लोग 16 तारीख को इसी महीने से यही महीना, क्योंकि अभी वो पता चल रहा है कि होम आइसोलेशन में है, इसलिए हम लोग अभी नहीं जा पा रहे हैं। तो 16 तारीख को हम लोग उनका आवास पर जाएंगे, एक बार पुनः उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और उनके आवास पर हम लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अंसारी है। अच्छा, मैं काफ़ी परसेंट से मैं देख रहा हूँ काफ़ी 2013 से लेकर अभी तक जो कारनामे रांची जिला सुरक्षा कर्मचारी संघ है, जो विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में अपनी सेवाएं दे रही थी न्यूनतम आय पर, ठीक है। अब सर आप भी बताइए कि जो व्यक्ति 6-7 साल किसी एक संस्था में न्यूनतम आय पर अपनी सुरक्षा दे रही है, अपनी कितना पैसा आप लोग हाईएस्ट मिला? 6400। बहाल कितना पे हुए थे? बहाल 3500। इसके बाद हटा दिया, इसमें भी आंदोलन हुआ, उसके बाद ही बढ़ोतरी हुई थी। तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी संघर्ष हम लोग किए भी हैं और कहीं भी हम लोग नहीं गए हैं ऐसा बात नहीं है। हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जो भी वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक हर जगह गए, थक गए, सचिव विधायक सब जी, पूर्व की सरकार की तरफ इस सरकार के। अब आप लोग का आगे मान क्या है? अगर हम लोग को समय दिया गया है, माननीय बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हम लोग से हम लोग समय लिए हैं, अगर मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है अगर हम लोग की ओर आते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम लोग आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़े हम लोग स्वच्छता के साथ करने के लिए। देखिए महिला सशक्तिकरण का बात होता है, टोटल कितना 30-35 महिला आप लोग बहाल हुए थे ना, तो अभी आप लोग बेरोजगार हैं? एकदम सर, हम लोग बेरोजगार हैं और अभी से नहीं 6-7 साल काम किए सर, और उसके बाद एक बैग बैठा दिया तो उससे क्या होगा? हम लोग तो अब आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री हम लोग के सामने बोले थे कि आप लोग को डायरेक्ट रखा जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए, उम्मीद था सर, लेकिन अब उम्मीद भी नहीं है क्योंकि वो खाली आश्वासन ही मिला। हम लोग प्रोजेक्ट भवन में खड़े थे उस समय, जो मुख्यमंत्री थे वो हम लोग हमको रोक करके बोले कि आप लोग कल से ड्यूटी करिएगा, रघुवर दास जी, और उसके बाद फिर पता चलता है कि नहीं तो फिर कैसा लगेगा। हम लोग हेमंत जी से मुलाकात हुआ मुख्यमंत्री एकदम, हाँ सामने बात हुआ है सर, और बात हुआ और वो बोले कि डायरेक्ट आप लोग को रखा जाएगा और मेरी ही सरकार में रखा जाएगा। तो हम लोग बहुत खुश हुए थे कि चलिए हेमंत सर आए हैं तो अच्छा बात है कि हम लोग को रखा जाएगा, लेकिन उम्मीद अब नहीं लग रहा है सर, आत्मदाह के अलावा और कोई चारा नहीं लग रहा, क्या करेंगे हम लोग? ये देखिए बिल्ला लिखा हुआ है, सरकार हमारी नौकरी वापस दे या हम लोगों को फांसी दे दे, नहीं तो हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ हत्या कर लेंगे। तो आप लोग के पास क्या कर सकते हैं? बाल बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई भी है, हम लोग रेंट पर रहते हैं, घर का खर्ची कितना दिक्कत से चलता है, हम लोग का सैलून वो भी बंद है, अभी सैलून खुला है तो कस्टमर लोग नहीं आते हैं, तो हम लोग को तो बहुत प्रॉब्लम है। 7 साल नौकरी की है उसके बाद ऐसे बैठा दिया है, और हम लोग को तो मैंने घर चलाना मुश्किल हो गया, खाने के लिए राशन का भी दिक्कत होता है, राशन में तो क्या बोलिएगा, इतना राशन बढ़ता है, हम लोग केवल चावल दाल ही मिलता है, बहुत जगह सब कुछ मिलता है, हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप लोग पूरा प्रयास किया अपना, थक गए हर दिन? बन्ना सर तो 1.5 दिन का टाइम दिए एक दिन बहुत तेजी में कि 1.5 दिन का टाइम कर, आप लोग 1.5 दिन में आइए आप लोग को नौकरी पक्का, फिर हम लोग गए तो बोलते नहीं अभी नहीं जाइए 15 दिन का बाद आइए, आप लोग झमेला मत कीजिए। फिर 15 दिन के बाद गए, फिर 15 दिन के बाद गए तो कुछ नहीं बोला, बोले कि सर अभी नहीं है बाहर निकल गए, उनका भाई थे जो हम लोग घुसने भी नहीं दिए, बात भी नहीं करने दिए। आपके साथ आप अभी कुछ काम कर पा रहे हैं? अभी तो नहीं कर पा रहे काम, बेरोजगार ही है। स्थिति भी खराब हो गया है, दिक्कत हो रही है। आप लोग का अब डिमांड क्या है कि सरकार आप लोग को अपने से अपॉइंट करके रख दे? हम लोग का डिमांड है कि सरकार से दरखास्त है कि हम लोग को रखा जाए काम पे।
देखिए ऐसी संख्या अभी भले आपको दिख रही हो कम, टोटल 160 लोग हैं, उनका पता नहीं है, सब लोग एक साथ बेरोजगार हो गए हैं। 7 साल काम करने के बाद आश्वासन यही मिला था कि इनकी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग लेगी सुरक्षा प्रहरी के तौर पे। वहाँ पे आप लोग को हटा के होमगार्ड को जब रखा गया था, अब उनको भी हटा दिया गया, तो होमगार्ड अभी कर रही है, होमगार्ड कर रहे हैं। और जो ये हम लोग जो कर रहे थे, हाँ, तो 6400 रुपया अभी वर्तमान में दे रही थी, जब हटाने के बाद जिसको होमगार्ड को रखा गया है तो हम लोग से डबल उन लोग को पेमेंट भी दिया जा रहा है। अच्छा। और जबकि हम लोग सारे लोग झारखंड के आदिवासी मूलवासी स्थानीय लोग हैं, और कही जाए तो ये सरकार जो बनी हेमंत सरकार, ये कहती है कि हम गरीबों का सरकार है, तो सर गरीब में तो आपका न्यूज के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर से निवेदन आग्रह करूँगा कि इस पर आप पुनः विचार करते हुए अभिलंब हम लोगों की रोजगार वापस कर दें, क्योंकि झारखंड के कोई एक ऐसी जनप्रतिनिधि नहीं है सर जिनके पास नहीं गए, चाहे विपक्ष में पूर्व की सरकार में विधायक सांसद मंत्री सभी के पास गए, और अभी जो है अभी हम लोगों ने वर्तमान में जो विधायक है और वही उन्हीं लोग का सरकार है, वह जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, उनके पास भी उनके आवास गए, उन्होंने कहा कि हम इस पर स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करूंगा, सचिव से बात करूंगा, अगर नहीं होती है तो मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, आप लोगों की रोजगार जो है वो दोबारा दिलाऊंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, केवल हर तरफ से अफवाह। लोकतंत्र में बात का बड़ा महत्व है, पता नहीं बात यहाँ हल्का काय हो जा रहा है। मुख्यमंत्री जी अगर आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं या कोई भी देख रहा हो उनके आसपास वाला, तो बताइए थोड़ा, ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं है, इनका डिमांड भी बहुत बड़ा नहीं है, और सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को खासकर इनकी आवश्यकता है। हर अस्पताल में सुरक्षा गार्ड होना चाहिए, तभी तो वहाँ पे दूसरे होमगार्डों से ड्यूटी लिया जा रहा है, तो इनको भी कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द नियुक्ति दे दीजिए, ताकि आपका भी जय जयकार होगा और इन लोगों के जो माथे पे बेरोजगारी का कलंक लगा हुआ है वो भी हटेगा, इनके भी परिवार में खुशियाँ आएंगे। धन्यवाद। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.